गुड मॉर्निंग बच्चे। सो लास्ट चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस फॉर PT2 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सो इसकी रिवीजन रह गई थी, वो आज हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो ई बिजनेस, सबसे पहले ई बिजनेस क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज नाउ नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल वे। देर आर डिफरेंट मोड्स विच आर इमर्जिंग, लाइक there is internationalization of business going on, there is outsourcing going on, and then there is e-business, electronic business going on. So we have in our syllabus only one emerging mode, which is e-business. So electronic business, it implies conducting all the business transactions through internet. ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन्स हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से और बाकी जो मीन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के उनसे करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस को ई बिजनेस कहा जाता है। समटाइम्स द टू टर्म्स ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स दे आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। कैन वी यूज देम इंटरचेंजेबली? व्हेन वी यूज द टू टर्म्स इंटरचेंजेबली इट इंप्लाइज देयर इज नो डिफरेंस अमंगस्ट टू। Is e-commerce and e-business one and the same thing? No, e-business is a wider term as compared to e-commerce. E-commerce just implies buying and selling of goods online through electronic means. But e-business is a wider term than e-commerce. It not only includes e-commerce, that is buying and selling of goods electronically, but also other electronically conducted functions. बाकी जो electronically हम functions को conduct करते हैं, be it production, be it inventory management, be it product development, be it human resource management, be it finance, or be it legal consultation. So जब ये सारे transactions को electronically conduct किया जाता है, it is called as e-business. E-commerce, it covers only firms' interactions with its customers and suppliers over the internet. E-commerce में क्या आता है? जब कोई भी firm अपने suppliers के साथ या अपने customers के साथ electronic transactions करती है, only that is the part of e-commerce. Whereas e-business में और सारे फंक्शंस, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे फाइनेंस है, इन सारे फंक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस जो है वो इंटरनेट पे कंडक्ट कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर मेनी ट्रांजेक्शंस, सो वी क्लासिफाई देम into four main categories. Okay, let me check the number of students. 3, 12. So, first scope is B2B commerce. What is B2B? Here B means business. So business to business transactions. So when one business firm conducts transactions with another business firm electronically. ठीक है, एक फॉर्म है साइरिया एंड कंपनी, दूसरी फॉर्म है से क्राउन एंड कंपनी। ठीक है, सो ये दोनों दोनों बिजनेस फॉर्म्स आपस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हैं इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो बातचीत करती हैं, चाहे वो ऑर्डर्स प्लेस करती हैं, चाहे वो ऑर्डर्स देती हैं लेती हैं, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करती हैं, इनको कहा जाता है B2B. क्लियर? सो दिस फॉर्म इज से प्लेसिंग ऑर्डर विद दिस, ये सप्लायर है इसका, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर इस फॉर्म ने आगे इस कंपनी को ऑर्डर दे दिया इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, दीज आर B2B ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस। सो यूटिलिटीज को क्रिएट करना,
creation of utility is just a sophisticated term used for production process. ठीक है, so creation of utilities or delivering goods and services to the customers, it requires the business to interact with the number of business firms. जब हमने production process करना होता है तो उसके लिए हमें number of business firms के साथ you know consult करना पड़ता है, transactions करनी पड़ती हैं. तो जब हम ये transactions electronically करते हैं उसको कहा जाता है B2B commerce. फॉर example मारुति उद्योग है, वो अपनी cars बनाती है, तो उसको कार के लिए टायर्स चाहिए. टायर सपोज करो वो MRF के लगा रही है, तो MRF के साथ उसको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है, बैटरी उसकी जापान से आ रही है, तो उसको जापान की फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी. तो लेदर पैड्स हैं, एसी है, उसने जनरल का लगाया है, तो जनरल कंपनी के साथ उसको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है, फिर ये मारुति उद्योग वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, जैसे जलंधर में लवली ऑटोज एक मेन मारुति का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो वो मारुति उद्योग के साथ लवली ऑटोज के साथ करेगी ना इंटरनेट के साथ बातचीत कि आपको कितनी कार्स का ऑर्डर है आपका और आप कितनी देर में पेमेंट करोगे. ये सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होती हैं आजकल, और इनको क्या कहा जाता है, इनका स्कोप किस में आ गया, B2B कॉमर्स में. ठीक है, नेक्स्ट है बेटे B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर. ठीक है, सो ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन फर्म्स एंड कस्टमर्स, दीज आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शन्स. तो जो बेटे B2C ट्रांजेक्शन्स हैं, दीज फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. प्रमोशन, प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है. आपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखी ऑनलाइन, आप अपना वेब खोलते हो उसमें एड्स आती हैं. This is B2C. Here the business firm is promoting his products online. आपको पता ही होगा YouTube वगैरह जो है वो monetized है सब. So अगर उनके views जो है ज्यादा हो जाते हैं तो उनके साथ एक advertisement attach कर देते हैं. Advertisement से जो money आती है वो YouTube भर के उसको जाती है ना. तो ये जो advertisement की money देता कौन है, sponsor, यानी जो कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट या अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहती है. ठीक है, सो मेनी कंपनीज दे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन टू द कस्टमर्स. ये B2C ट्रांजेक्शन होगी. ठीक है, आप कोई भी देख लो, अमूल का प्रोडक्ट लेना है आपको, कोई ब्रांड है, नाइकी के शूज लेने हैं, स्केचर्स के शूज लेने हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं. ठीक है, who is selling these shoes, business firms, yes bete, kisko bech rahe hain, aapko bech rahe hain, kaun bech raha hai, sketchers bech raha hai, aapko bech raha hai, sketcher kaun hai, business firm hai, aap kaun ho, to ye kaun si transaction ho gayi, B2C. theek hai, business firm, aur ek to ye hogi na online selling ho gayi, ऑनलाइन प्रमोशन हो गई. दिमाग में रखते जाओ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आने हैं कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है, बताओ आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सी है वो. ठीक है, तो B2C में क्या क्या आता है, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन प्रमोशन एंड कंडक्टिंग ऑफ सर्वेस. समटाइम्स बिजनेस फर्म्स कंडक्ट सर्वेस टू यू नो असर्टेन हु इज बाइंग व्हाट and to what extent are they satisfied. This is again B2C. theek hai, now B2C also provides scope for C2B, customer to business. to jab customer business ke sath, matlab jab is tarah se is way mein hoti ho B2C hogi, jab is tarah se hoti hai ye ho gayi C2B. so when you make toll free calls to customer care center, this transaction is C2B.
है ना, यहाँ पे कस्टमर बिजनेस फॉर्म को कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई अपनी कंप्लेंट लिखवानी है, उसको कुछ पता करना है, नया प्रोडक्ट लिया है, उसके बारे में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो टोल फ्री नंबर आपको दिए हुए, यू कैन मेक कॉल्स। नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज सी टू बी, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज बेटे सी टू सी कॉमर्स। सो हेयर बोथ द पार्टीज दे आर कस्टमर्स। सो वेन कस्टमर्स मेक ट्रांजेक्शन्स विद कस्टमर, सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सेलर भी कस्टमर है, बायर भी कस्टमर है, ऐसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं सी टू सी कॉमर्स, ठीक है। तो सी टू सी कॉमर्स में बेटे जैसे कि हम शॉपिंग करते हैं OLX पे, वहां पे क्या होता है, जिनके को कोई चीज नहीं चाहिए होती वो अपना प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन, अपना मास्क ऊपर करो बेटे, तो जिनको कोई नहीं चीज नहीं चाहिए होती, दे पुट इट अप फॉर सेल ऑन OLX, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, यू आर सर्फिंग OLX एंड यू कम अक्रॉस एनी कमोडिटी जो आपको लगता है आपके काम की हो सकती है, आप उसको खरीदना चाहते हो, यू कैन बाय इट। फिर बोथ पार्टीज आर कस्टमर, यहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं बेच रहा, कौन बेच रहा है, कस्टमर बेच रहा, तो ये होगी सी टू सी। तो अब आपको ये ना लगे कि सिर्फ OLX पे शॉपिंग, ईबे पे शॉपिंग, सेकेंड हैंड गुड्स की शॉपिंग, यही सी टू सी होती है। कई बारी बेटे कस्टमर्स जो है ना वो अपने फोरम्स बना लेते हैं, मेरे साथ आई वॉज चीटेड बाय सम बायर, ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट बहुत ही महंगा था लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर निकली, सो आई फेल्ट चीटेड, तो मैंने एक फोरम बना लिया और जो लोग मैंने, और वहां पे लिख दिया कि जो लोग यू नो, अच्छा जैसे जलंधर नोटिस बोर्ड है फेसबुक पे, है एनी वन ऑफ यू इज मेंबर ऑफ दैट, पता है आपको वेयर हो, उसमें ऑल दी पार्टीज आर कस्टमर्स, सो काइंड ऑफ इवन दो दे आर नॉट बाइंग और सेलिंग एनीथिंग, ठीक है, बट दे हैव मेड अ फोरम जहां पे वो अपनी एक कॉमन प्लेटफॉर्म उनको मिल गया अपनी बातें करने का, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का, या अपने यू नो कोई भी चीज मिलके अपना एक ग्रुप बन गया, एक कॉमनैलिटी आ गई उसमें, सो दिस इज काइंड ऑफ सी टू सी, जहां पर दोनों पार्टीज कस्टमर है वो सी टू सी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद बेटे है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में जो भी पार्टीज हैं इन्वॉल्व दे आर विद इन द फर्म इट्सेल्फ, सो एक फर्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इट कुड बी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट कुड बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो आपस में जब ये कोई भी ऑनलाइन बातचीत करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स। वन डिपार्टमेंट, अभी आई विल ओपन अप माई मोबाइल, मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोलूंगी तो मुझे एक्टिविटी वालों से एक मैसेज आया हुआ है कि जी आप अपने, ये हमारा एक्टिविटी हो रही है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इसमें पार्ट लेने के लिए। हियर द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कन्वेड टू मी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, है ना, तो वो एक डिपार्टमेंट है, मैं अनदर डिपार्टमेंट हूँ स्कूल का, तो शी इज कन्वेइंग इट टू मी, दिस इज इंट्रा बी। देन आई हैव सिलेक्टेड यू स्टूडेंट्स, और मैंने 5 स्टूडेंट्स के नाम उनको लिख के भेज दिए, अगेन दिस इज इंट्रा बी, राइट। सो कोई भी इस तरह की कम्युनिकेशन जो विद इन द फर्म अमंगस्ट द डिपार्टमेंट्स होती है उसको बोलते हैं इंट्रा बी, ठीक, किसी को कोई डाउट। सो इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ओके, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स, दैट इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। अच्छा, इसमें बेटे एक और मैंने तब भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, VPN, व्हाट इज VPN? इट इनेबल्स द पर्संस और एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम, दे टेक ऑफिस टू देयर होम, दे डू नॉट कम टू द ऑफिस फ्रॉम देयर होम, दे टेक ऑफिस टू द
home. So this is virtual private network. So ये transactions virtual private network आएगी intra e-commerce में, ठीक है. So then difference करवाऊं traditional और e-business में. चलो सिंपल से पॉइंट्स हैं बेटे. फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस इज इजी टू फॉर्म और डिफिकल्ट टू फॉर्म? इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. एंड ई बिजनेस इजी टू फॉर्म. देन फिजिकल प्रेजेंस, इट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल, नॉट रिक्वायर्ड इन ई बिजनेस. देन कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप more in traditional and less in e-business. Okay, then locational requirements. जब आप एक traditional business setup करना चाहते हो तो आप कहाँ पे उसको setup करना चाहोगे, उसके लिए क्या factors mind में रखोगे? Nearness to the source of raw material. But in case of e-business, no such requirement is there, ठीक है. और एक ये भी पॉइंट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में कम होता जा रहा है, डिक्लाइनिंग, वेयर एज इन केस ऑफ ई बिजनेस दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द बिजनेस. ग्लोबल रीच, ट्रेडिशनल में कम है, ई बिजनेस में ज्यादा है, ठीक है. यू जस्ट नीड टू टाई अप विद अ कुरियर पर्सन in order to sell your products anywhere in the world, right? So benefits bhi dekh lete hain. Ye differences sare maine jo points discuss kiye hain wo iske benefits ke hi hain. Ease of formation is there, this business can be easily set up, there is not much requirement of investment, capital ki requirement zyada nahi hoti hai. Then convenience, e-business 24/7/365 days a week होता है, a year. साल के 365 days आप goods ले सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आप जब मर्जी कोई भी transaction कर सकते हैं, ठीक है. जब से online classes हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर physically 2:30 बजे तक present हैं तो school वाले हमें 2:30 बजे तक ही कुछ convey कर सकते हैं. रात के 11, 12, 1 बजे, सुबह 6 बजे हमें मैसेज आ जाता है, ठीक है. तो 24/7/365 डेज. स्पीड, इट इज मोर स्पीडियर, जस्ट एट द क्लिक ऑफ द माउस यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो अर्लियर जैसे सैंपल पेपर आते थे तो पहले हम सैंपल पेपर प्रिंट आउट निकलवाते थे, ठीक है. Then we would make it sure के सब बच्चों के पास प्रिंट आउट पड़े हुए हैं. Then I would be discussing reading it out from here and then you will be seeing from your own paper. Now what do? I do keep it in my drive and take it out. मैं यहाँ से रीड, बच्चे वहां से देख लेते हैं स्क्रीन शेयर से, आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं, है ना. So all this is the benefit of internet. So e-business में ये भी एक बेनिफिट है कि स्पीडियर इंफॉर्मेशन हो गई है सारी की सारी. ग्लोबल रीच बता ही दिया. देन देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. आपको पता है इको फ्रेंडली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है, वी शुड मेक लेस यूज ऑफ पेपर. सो जब हम टेंडर पास करते हैं, कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमें कोई वो इनवॉइस बना के भेजने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. वो सिर्फ हम सारा ऑनलाइन, हमारा आजकल तो चेक भी, वो कहते हैं मेक मिनिमम यूज ऑफ चेक. पहले हम चेक से पेमेंट करते थे ना, अब हम उसको डिजिटली भेज देते हैं. नाउ यू आर अवेयर ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स, राइट. सो आप बोलो कि मैम स्मॉल बिजनेस है, वो इंटरनेट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए भी डिजिटल पेमेंट्स हैं. तो ऑल्दो बिजनेस में इंटरनेट का होना आजकल जरूरी हो गया है, ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस. देन बेटे
resources required for successful e-business implementation. Short में बता देती हूँ, अगर आपको कल को एक e-business setup करना है तो क्या क्या requirements रहेंगी. Number one, you need a well-designed website. आप shopping करते हो, shopping किससे करते हो? Website से करते हो, है ना? Website या app. So you need a well designed website. I will be telling you my own experience. कई बारी वेबसाइट ऐसी होती है स्लो चलती है ना, हम कुछ और खोल रहे हैं नहीं खुल रहा या फिल्टर नहीं हो रहा, तो कोई फिल्टर नहीं लग रहा उस पर, हम कहते हैं ना जैसे let's say I'm going for ladies bags and it is showing 10,000 items, which means I have to scroll through 10,000 bags to select one. Let's say I know I need a white color bag, ठीक है, तो मैं फिल्टर लगा देती हूँ कलर में कि मेरे को व्हाइट चाहिए, तो वो आ गया 60 तक आ गया कि मैं हमारे पास 60 व्हाइट बैग्स अवेलेबल है. फिर मैंने ब्रांड लगा दिया, मेरे को इसी ब्रांड का चाहिए, तो मेरे पास 40 आ गए उस ब्रांड के. Let us say I come across a website जहां पे ऐसा फिल्टर नहीं लग रहा, so would you consider it to be a well designed website? No, वो well designed वेबसाइट नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए आपको एक वेल डिजाइंड कंज्यूमर फ्रेंडली वेबसाइट चाहिए. देन बेटे एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर. अब आप सोचो, आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, यू शुड बी वेल इक्विप्ड. ये तो नहीं है एक कंप्यूटर के आगे आपने एक बंदा बिठा दिया, वो सारा दिन अगर ऑर्डर्स फ्लो करने लग गए. So you need more than one computer, you need more than one personnel जो आपके orders लेता जाए, लिखता जाए, ठीक है, और आगे pass on करता जाए. तो उसके लिए आपको proper hardware की जरूरत है. Technically qualified and responsive workforce. ऐसा workforce जो technically qualified हो, well versed हो e-business में, e-commerce में, computer में, software में, hardware में, ठीक है, उस तरह के आपको personnel चाहिए. Then effective telecommunication system, जैसे फाइबर की स्पीड ज्यादा होती है ना. Let us say कस्टमर कोशिश करी जा रहा है ऑर्डर प्लेस करने की, आपका सर्वर डाउन हो गया, ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा, और कस्टमर खिंच जाएगा, वो कहेगा ये बकवास है बिल्कुल वेबसाइट, इनमें तो ऑर्डर ही नहीं प्लेस होता, है ना. सो इसीलिए एक आपको इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए. देन सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स, आप कौन सा सिस्टम पेमेंट रिसीव करने के लिए, अगर आपने डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक से किया है तो आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा बैंक के साथ. अगर आप यूपीआई से पेमेंट अलाउ करते हो तो आपको जितने भी यूपीआई के एप्स हैं, मोबाइल फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ठीक है, ये यूपीआई बेस्ड एप्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा. Only then you can receive payments. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको किस तरह से पेमेंट रिसीव करनी है, किस बैंक के थ्रू रिसीव करनी है, तो आपको ये कोलैबोरेशन उनके साथ करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चे. रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस. उसके बाद बेटे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं अगर आपको बाइंग या सेलिंग करनी है. सो नंबर वन इज रजिस्ट्रेशन. आपको कहीं से भी शॉपिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. आपको पता नहीं चलता आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, बट यू गेट वन फॉर्म जिसमें आपका नेम, ईमेल आईडी वगैरह वो मांगते हैं, दिस इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है. देन देयर इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. आप स्क्रॉल करते जाइए, जो जो चीजें आपको पसंद है वो कार्ट में डालते जाइए. इन द एंड आपने जो शॉर्टलिस्टेड आपकी आइटम्स हैं उसको आप प्लेस एन ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है. देन पेमेंट मैकेनिज्म, जनरली आजकल चेक तो होता नहीं है, सीओडी होती है और डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई बेस्ड एप्स होते हैं, ठीक है, या नेट बैंकिंग ट्रांसफर होता है, तो उनमें से आपको जो भी ऑप्ट करना है दैट यू कैन डू.
ओके देन देयर आर सर्टेन रिस्क्स इन्वॉल्वड इन ई बिजनेस. इसमें से बहुत एमसीक्यू बन जाते हैं बेटे. व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स आर इन्वॉल्वड, पहले तो तीनों के नाम बताओ मेरे को. व्हाट थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क्स आर देयर इन ई बिजनेस? ट्रांजेक्शन रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, एंड थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये तीन तरह के रिस्क हैं. ट्रांजेक्शन रिस्क तीन तरह का होता है, बोलो. डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, एंड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, मैंने ऑर्डर प्लेस किया कुछ और आया कुछ और, रिस्क है. दिस इज डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग. नंबर टू, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, गुड्स डिलीवर नहीं हुए या रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो गए, रिस्क है. दोनों पार्टीज के लिए रिस्क है बेटे. अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मुझे कोई और आ गया प्रोडक्ट, मेरे लिए भी रिस्क है, सेलर के लिए भी रिस्क है. दूसरा, मैंने गुड्स ऑर्डर किए, रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो गए. अब मैं तो सेलर को बोलूंगी मेरे पास आए नहीं, सेलर कहेगा मैंने भेज दिए. दोनों के लिए रिस्क है. तीसरा, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, कंज्यूमर मे से ही हैज मेड द पेमेंट, सेलर मे डिनाई दैट ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट. ठीक है, ये हो गए. इन ट्रांजेक्शनल रिस्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय चेकिंग कुकीज. पता है आपको? सो कुकीज आर जस्ट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विच आर देयर इम्बेडेड इन द सिस्टम. सो सेलर कुकीज में से चेक कर सकता है कि कहीं कस्टमर फ्रॉड तो नहीं है. ठीक है, दूसरा जो रिस्क है दैट इज डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क. ये फर्दर दो तरह का होता है, वायरस एंड हैकिंग. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस होता क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स विच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ठीक है, ऑन द अदर कंप्यूटर सिस्टम. सो इट्स फुल फॉर्म इज वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज. वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज. फोर लेवल्स का होता है. लेवल वन, देयर इज सम अनॉयंस ऑन द स्क्रीन, इट्स नॉट मच हार्मफुल. लेवल टू, डिसरप्शन ऑफ फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देता है सिस्टम कुछ टाइम के लिए. लेवल थ्री, इट डैमेजेस टारगेटेड फाइल्स. लेवल फोर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम, पूरी फाइल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, हैकिंग. व्हाट इज हैकिंग? अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू द वेबसाइट और सिस्टम, या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अनऑथराइज्ड वे से एंटर करते हो, उसको हम हैकिंग कहते हैं. तो इससे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मिसयूज हो सकती हैं. ठीक है, तो आप इसको कैसे, इस रिस्क को सॉल्व कर सकते हो? एंटीवायरस इंस्टॉल करके आप वायरस को और हैकिंग को एनक्रिप्शन से आप अपनी इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में डाल दीजिए, उससे वो एनक्रिप्ट हो जाती है. ठीक है, वैसे तो हमेशा इनक्रिप्ट ही होती है इंफॉर्मेशन जब भी हम डालते हैं. हैकर्स एक्चुअली होते ही वो है जो डीक्रिप्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को. दे यू नो डेवलप सर्टन प्रोग्राम्स विच लीड टू डीक्रिप्शन. ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी सेल है हमारे पास, जो जो हमें वो कहते हैं हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तीसरा बेटे, रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपने कुछ भी लिखा, आपने उसको इंटरनेट में डाल दिया, वहां से कोई भी उसको उठा के अपने नाम का कर ले, बिकॉज इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस. ठीक है, तो एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोलन. सो द प्रॉपर्टी विच इज ऑफ योर इंटेलेक्ट, आपने सोची समझी कोई आर्टिकल है, पोएम है,
स्टोरी है, मूवी है, वो कोई चुरा लेता है इंटरनेट से, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्रिपेयर फॉर योर वाइवा बेटे।